नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। बीबी नेटवर्क में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं क्या कुछ चल रहा है मुंबई की राजनीतिक क्षेत्र में। आशीर्वाद मिला है, वो यहाँ पर आके अभी आप लोगों ने देखा, यहाँ पर आके दर्शन करके गए और हमारे को, आपको, पूरे गज्जर बांध के निवासियों को, सभी भाइयों बंधुओं को उन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी हैं। इस पालकी का अभी यहाँ से शुरुआत होगी, यहाँ से पूरा गज्जर बांध होते हुए आगे पर रवि जोशी जी का एक भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, वहाँ पर मंदिर पर जाएंगे, वहाँ पर एक छोटी सी आरती होगी और वहाँ से भ्रमण करते हुए हमारे साथ में हरे रामा हरे कृष्ण के पुजारी जी रहेंगे। हरे रामा हरे कृष्ण से हमने महाप्रसाद मंगाया है, वो जो यहाँ की जनता को वितरण किया जाएगा और यहाँ पर आके इसी प्रणांगण में, इसी जगह के ऊपर भगवान का हम लोग इसका पालकी का समापन करेंगे। पालकी यात्रा से क्या संदेश देने, क्या मुख्य उद्देश्य क्या था इस पालकी यात्रा? मुख्य उद्देश्य ये है कि हम हिंदू धर्म के सभी अपने बंधुओं को, सभी को एक सूत्र में बांधना चाहते हैं। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री का आदेश है, प्रधानमंत्री का एक नारा है, सबका विकास सबका साथ सबका विकास, हम सभी जाति सभी धर्म के लोगों को एक साथ में लेके एक सूत्र में बांधना चाहते हैं। और अभी आप सबको पता होगा कि अभी अयोध्या का मुद्दा गर्म है, हम चाहते हैं कि सभी बंधु लोग, सभी हिंदू धर्म के लोग भगवान राम के मंदिर को लेकर अपना प्रार्थना करें और मेहनत करें और एकजुट होकर आगामी 2 दिसंबर को जो BKC पे हमारा कार्यक्रम होने जा रहा है, सभी हिंदू बंधुओं से निवेदन रहेगा कि अधिक संख्या में भाग लेकर भगवान अयोध्या में राम मंदिर के लिए, रामलला के मंदिर के लिए अपना सहयोग दे। अयोध्या की बात करें तो वहाँ पे शिवसेना जमी हुई है, शिवसेना तो चलो ठीक है, वहाँ पे बजरंग दल भी है, RSS भी है, तो उनको जाने की क्या जरूरत है? वो तो सरकार के पार्ट है, वो तो बोलते सरकार को तो सरकार उनकी बात मान लेती, और मंदिर बनाने के लिए जो कि अभी तक सरकार ने कानून नहीं लाया है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, राम मंदिर का मुद्दा उच्चतम न्यायालय में लंबित है, उच्चतम न्यायालय से जो आदेश होगा वो सब पालन करेंगे। और आपने कहा विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और जो भी अन्य संस्थाएं हैं, वो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनका कोशिश रहेगा, उसमें वो जो सहयोग करेंगे, अपने धर्म जागरण मंच लगाए हैं, धर्म सभा हो रही है, ये सब का सहयोग रहेगा राम मंदिर के लिए और राम मंदिर को निर्माण करने के लिए। क्या लगता है आपको, अभी जो सेशन होने वाला है उसमें कानून लाया जाएगा राम मंदिर बनाने के लिए, बीजेपी पहल करेगी क्या ऐसा? बीजेपी अवश्य पहल करेगी, बीजेपी की पूरी कोशिश रहेगी कि राम मंदिर का निर्माण हो, और बीजेपी का ये मुद्दा ही है कि राम मंदिर का अयोध्या में, हमारे जो प्रभु का जन्म स्थली है राम मंदिर अयोध्या, और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। बीजेपी जब भी अयोध्या का या राम मंदिर का नाम लेती है तो कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगता है, क्यों? नहीं, अब ये तो कांग्रेस वालों से ही पूछ के आपको पता चलेगा कि उनके पेट में दर्द क्यों होता है। मंदिर यही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तारीख कब बताएंगे? नहीं, तारीख बताने की जरूरत क्या, हम लोगों के हर आदमी के दिल में रामलला बसे हुए हैं, मंदिर का निर्माण हर आदमी के मन में ही है। बनना चाहिए राम मंदिर, बनना चाहिए, बनना चाहिए।